हेलो बच्चों, आज आपके सामने एक नया वीडियो है, वो है बेलन के बारे में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेलन का आयतन के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं एक्चुअली बेलन होता क्या है। जैसे कि आपने सिलेंडर फॉर्म पे देखा होगा, जैसे कि आप पेन ले लीजिए, जैसे कि मेरा मार्कर एग्जांपल पे, ये जो आपको दिख रहा है ये सिलेंडर फॉर्म पे जैसे मैंने बना रखा है। आपको ऐसे बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, एक आपकी बॉटल हो गई जो पानी वगैरह पीने वाली, ज़्यादा सिलेंडर शेप में ही होती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सिलेंडर क्या होता है, इस शेप में होता है, यहाँ पर एक रेडियस होती है और एक ऊँचाई होती है। ये एक रेडियस होता है, ये रेडियस और ये ऊंचाई होती है। तो इसके बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14 रखते हैं। वहीं आर क्या होती है, रेडियस, जो इस केंद्र से लेकर इस कोने तक की डिस्टेंस को कवर करता है वो रेडियस होती है। यानी वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो आर होती है। यानी आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, और एच क्या है, इस पूरे बेलन की ऊंचाई दे रखी है। तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन गया। आपको समझ में आएगा कि बेलन होता कैसा है। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है और कैसे इसको अच्छे से सॉल्व आउट करना है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, 3.5 में गहरा कुआं है जैसे आपको दिख रहा है, और इसका व्यास 2 मीटर है। इस कुएं खोदा जाता है, तो इस मिट्टी जो इस कुएं से खोदे जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन हमें निकालना है कि इस कुएं से कितनी मिट्टी निकली। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बेलन का आयतन लगाना होगा। लेकिन उससे पहले हमें जो आर और एच दे रखे जानते क्या क्या दे रखा है। गहराई की बात करें, ऊंचाई की बात करें, दोनों एच ही होता है। एच का मान कितना है, 3.5 मीटर है। वही यहाँ व्यास कह रहा है, व्यास मतलब डी कितना है, 2 मीटर दिया गया। तो व्यास से क्या निकालेंगे, हम रेडियस फाइंड करेंगे। हमें व्यास से डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास स्क्वायर टू क्या होता है, 2 × r होता है, या फिर कहते हैं r स्क्वायर टू d/2 होता है। यानी आपको सभी फॉर्मूला पता होगा, r स्क्वायर टू d/2 होता है। ये मैंने हमें कई पिछले वीडियो में बताया भी है, देख सकते हैं आगे। जो d यहाँ कितना है, 2 रख दिया, r कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी हो गई, 1 मीटर, और h कितना हो गया, 3.5। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू पता है सबको 22/7 होती है, जैसे मैंने बताया था, या 3.14, जो आपको इजी लगे वो पुट अप कर लीजिए। आर की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर, और एच कितना है यहाँ पर, 3.5। वो रखने के बाद अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 1 × 1 या फिर 3.5, 7 करेंगे, 7×5 = 35, मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 × 1 1 होता है, और 0.5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसमें, 22 में, तो 22 गुना होता है 110 होता है। पॉइंट लगेंगे एक अंक के बाद, कितना, 11। तो 11 घन मीटर कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं मीटर क्यूब, ये इस मिट्टी के आयतन है। इस प्रकार से कहते हैं कि अगर हमें कोई संख्या दी जाती है रेडियस के फॉर्म पे या एच दी जाती है, तो उसके आयतन में कहते हैं कुएं का या मिट्टी का आयतन निकाल सकते हैं। इनकेस अगर हम चाहते हैं कि अगर आयतन दे रखा हो उससे आर एच निकालना, तो कैसे निकालते, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आयतन दे रखा है तो ऊंचाई या आर जो भी निकालना, कैसे निकालेंगे, चलिए दूसरे एग्जाम्पल समझा देते हैं। यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है कि बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, और इस बेलन का जो आयतन है पूरा वो 24640 cm³ है। तो क्या इस बेलन की हमें ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैं आयतन फॉर्मूला लगा रहा है, तो उससे पहले हमें सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्या क्या आर और एच मालूम होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर आर दे रखा है, एच पूछा गया है, और आयतन पता है। तो व्यास को हम लिखते हैं डी से, तो डी दिया गया 28 सेंटीमीटर, इससे क्या निकालेंगे आर, तो आर इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। तो डी कितना है, 28, 2 कट करेंगे तो आर की वैल्यू हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमें आर का मान मालूम हो गया। अब बात करते हैं वैल्यूम की, तो वैल्यू हमें कितना दिया गया यहाँ पर, वो है 24640 cm³ दिया गया। अब हमें निकालना है इसका एच, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा होने वाला है, ध्यान देखिएगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग बेलन का आयतन का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वैल्यू कितनी है, 24640, और यहां पे हम लोग पाई का मान रखेंगे कितना होता है, 22/7, और आर जैसे पता है हमें कितना आया, 14 का स्क्वायर एच फाइंड करना है। अब यहाँ पे गलती मत कीजिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर को ओपन नहीं करते, यहीं से पहले काट देते हैं। क्या करेंगे, 7 से 14 काट देंगे और फिर सवाल पूरा चौपट। तो ध्यान दीजिए, आप जल्दीबाजी मत करें, हमेशा सवाल को प्रोसेस से लगाएं बिल्कुल सही तरीके से, तो हमेशा आंसर आएगा। स्क्वायर लिखा है, इसको 2 बार लिख लिया। अब यहाँ पे काटना स्टार्ट करें, 7 से काटा 7 × 14 2 आ गया। अब 2 से काटिए, बराबर लगाएं, बराबर से काट सकते हैं, तो 2 कम 2, 2 × 4, 2 × 3 6, 2 × 3 6 और 0,
फिर दो से कट जाएगा, दो से काटा 11 आया, फिर नीचे लिखते हैं 2×12 एक, 2×2 फिर 2×12 जीरो हो गया, फिर 11 हो गया, 2 से कट करके फिर से काटते हैं 2×7=14, 2×3=6, 0×2=16 और 0 आ गया। अब आ गया 30×80, क्या 11 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। कैसे पता करेंगे? अगर इनको जोड़ दे 8 और 3=11, यानी 11 जोड़ने वाला तो 11 से कट जाएगी, तो 11×2=22 कितना बचा? 8 × 88 280 आया। 7 से कर देंगे, 7×6=28 कितना बचा? 40। तो यानी एग्जैक्ट कितना बचा इधर? 40, और यहाँ क्या बचा? H। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हमें कैलकुलेशन जो दिया जाता है उसको सॉल्व आउट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता तो सब बेकार है। फॉर्मूला लर्न करें, सीखें अच्छे से तरीके से, अप्लाई करें, बिल्कुल हमेशा आंसर आएगा। और वीडियोस पे देखिए हमारे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपके मैथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर देखें जाके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स एक लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ढेरों फॉर्मूले पड़े हुए हैं। छोटे से स्टार्ट किए मैंने, पहले फॉर्मूले से लेकर ढेरों फॉर्मूले, जिससे आपके मैथ हमेशा अच्छी हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बिना के मत जाए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।